मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप। ऋषभ पंत, कमाल के विकेट कीपर बल्लेबाज, इस युवा खिलाड़ी ने अकेले दम पर टीम इंडिया को कई मैच जिताए हैं, लेकिन बात जब T20I क्रिकेट की आती है तो वहां पंत के प्रदर्शन पर सवाल उठने लगते हैं। उन्हें इस फॉर्मेट में कई और विकेट कीपर बल्लेबाजों से चुनौती मिलती ही रहती है, और अब इसमें सबसे बड़ा नाम दिनेश कार्तिक का है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंग्लैंड तक पंत ने वनडे और टेस्ट मैच में अपने शानदार खेल से टीम को जीत दिलाई है। पंत ने सभी जगह बेखौफ तरीके से बल्लेबाजी की है और भारतीय टीम के सबसे बड़े मैच विनर बनकर उभरे हैं। लेकिन T20I में पंत कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ इस सीजन IPL में भी पंत का प्रदर्शन साधारण रहा था, जबकि वहीं पर कार्तिक ने मौका मिलने पर कमाल का खेल दिखाया, जिसके बाद क्रिकेट पंडितों को लगता है कि आगामी T20I वर्ल्ड कप में पंत की जगह पर खतरा हो सकता है। इस बात को लेकर दिग्गज क्रिकेटर चंदू बोर्डे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। चंदू बोर्डे के मुताबिक पंत और दिनेश कार्तिक में काफी अंतर है। उन्होंने इंडिया टीवी से बात करते हुए कहा, इस टीम के भीतर बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन चल रहा है, जो भी अच्छा प्रदर्शन करेगा वो टीम का हिस्सा होगा, पर ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता है कि पंत के लिए कोई कंपटीशन है, वो एक ऑटोमेटिक चॉइस है। ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कुछ ही समय में पूरे गेम को चेंज कर सकते हैं। वो सिर्फ एक फिनिशर नहीं, बल्कि वो कहीं भी और कभी भी खेल सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि समय के साथ जैसे जैसे वो और सीखेगा, उनका प्रदर्शन और बेहतर होता चला जाएगा। उन्होंने कहा, यदि आप पंत के करियर को देखें तो उन्होंने अभी अभी शुरुआत की है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भारत के लिए मैच जीते हैं वो अविश्वसनीय है। समय के साथ जैसे जैसे वो और सीखेंगे, उनका प्रदर्शन नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। बता दें कि ऋषभ पंत को जिम्बाब्वे दौरे पर आराम दिया गया है, लेकिन एशिया कप 2022 के लिए उन्हें टीम में शामिल किया गया है। वहीं दिनेश कार्तिक को सिर्फ T20I मुकाबले में एक फिनिशर के तौर पर मौका दिया जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले समय में पंत और कार्तिक का प्रदर्शन कैसा रहता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी रविराज ने, मैं निहारिका यादव। स्पोर्ट्स से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।